दिल्ली में पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर ऑटो टैक्सी की हड़ताल के बाद आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर टैक्सी मिलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी ऑटो की हड़ताल का असर दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, ऑटो टैक्सी से यात्री आते दिखे, लेकिन इन स्थानों से जाने वाले यात्रियों को कैब बुक करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। यात्री घंटों बस और ऑटो टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और जो ऑटो वहां खड़े हैं वह 100-150 रुपए किराया अधिक चालकों से मांग रहे हैं।